हेलो और अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों को पता चल चुका होगा क्योंकि आप लोगों ने टाइटल देख लिया होगा, जाहिर सी बात है। यहाँ मुझसे काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था कि भाई तुमने व्लॉगिंग क्यों स्टार्ट की। अब मैंने देखे बाकी यूट्यूबर्स, मैंने देखे उन लोगों ने, सब ने बोला है, सब ने अपनी अपनी अलग अलग वीडियो बनाई है, व्हाई आई स्टार्ट व्लॉगिंग। सो मैंने कहा मैं क्यों पीछे रहूँ भाई, मेरे थोड़े सब्सक्राइबर्स है क्या, ये थोड़े हैं 1.78 के के साथ लगे, बड़ा बड़ा के, अल्हम्दुलिल्लाह। सो जो मेरा मेन मकसद था व्लॉगिंग के पीछे वो मैं आपको बताता हूँ। और एक बंदे ने मुझसे एक और क्वेश्चन पूछा था कि तुम इतने मोटिवेटेड हो तो तुम्हारी जो इंस्पिरेशन है वो कौन है, मतलब सोशल मीडिया के हवाले से तुम इस तरह की वीडियोज़ बनाते हो, कौन है तुम्हारी इंस्पिरेशन, किस से इंस्पायर हो कि तुमने ये सब स्टार्ट किया। खैर मैं ये सब बताता हूँ आप लोगों को इस वीडियो में, पर उससे पहले आप लोग यार चैनल सब्सक्राइब ही नहीं करते, वो वही 1.78 पे फंसा हुआ है बस, सब्सक्राइबर्स आगे ही नहीं जा रहे भाई, क्या कर रहे हो। मेरे पास आता रहता है सब, बगैर सब्सक्राइब की वीडियोस देख के लोग चले जाते हैं, अच्छी बात नहीं है ये। आप लोग चैनल सब्सक्राइब किया करो, वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट किया करो, शेयर किया, कुछ तो किया करो भाई, कुछ किया करो। तो शुरू करते हैं आज। सीन ऐसा था स्टार्ट में कि जब मैं यहाँ पहुँचा तो उससे पहले का मेरा इरादा था यार मेरे पास अब आइडिया नहीं है कि मैं जाके वहाँ क्या करूँगा। मैं जाऊँगा हर चीज़ की, हर कंट्री में जो है अपने अपने रूल्स होते हैं, हर चीज़ की अपने रूल्स, अपनी कंडीशंस होती हैं, वहाँ रहना किस तरह होता है सब कुछ अलग होता है, जाहिर सी बात है। पाकिस्तान से या जो लोग स्टूडेंट जो है यहाँ इंडिया से आए हैं, वो लोग जो बाकी कंट्री से आए हैं, सबके लिए जगह डिफरेंट है, मुख्तलिफ है, सब कुछ मुख्तलिफ है, फिर चाहे लोग हैं, फिर चाहे ज़बान है, चाहे खाने की चीज़ें हैं, चाहे जो भी है, हर चीज़ यहाँ पर अलग है। तो इसलिए मेरी सोच थी पहले से कि भाई मैं करूँगा ये सब, मैं करूँगा, मैं लोगों को बताऊँगा इस बारे में। तो मैं सच बताऊँ तो मेरे अंदर एक है, वो होता है इंसान में एक कीड़ा होता है कि यार ये करने का, तो मुझ में एक कीड़ा है दूसरों की मदद करने का। तो ये जो लोग मुझे जानते हैं उनको तो पता होगा, मतलब जो मेरी फैमिली वाले हैं या जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो मुझे जानते हैं, मैं हेल्प करता हूँ, बस ज़्यादा हेल्प उनकी करता हूँ जिनको मैं नहीं जानता पर्सनली। हाँ अगर मैं जानता हूँ किसी को हेल्प करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे मूड पे भी डिपेंड करता है बहुत, पर पर्सनली मैं हेल्प करने को प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा देता हूँ, मैं बहुत हेल्प करता हूँ लोगों की। और मेन जो मेरा मकसद था चैनल बनाने के पीछे वो यही था कि मैं दूसरों की हेल्प कर सकूँगा, हो गया चैनल का पहला मकसद। सेकेंड जो बात है, हर बंदे को इस दुनिया में आजकल जो है फेम चाहिए, किसी नहीं चाहिए, कौन नहीं चाहता कि यार मुझे ये बंदा पहचाने, मुझे ये बंदा पहचाने, ये पहचाने, वो पहचाने, हर बंदे में होता है। सो पर्सनली मैं खुद जो है मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे लोग जाने, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लोग अब जानने लगे हैं। मुझे यहाँ पे मैं अगर कहीं जाता हूँ ना किसी न्यू जगह पे, मतलब यूनिवर्सिटी में किसी सीनियर्स के बीच में जाता हूँ तो बोलते हैं देखो ये वाला लड़का जो न्यू आया है फ्रेशर और इसने यूट्यूब स्टार्ट किया अभी, वो मैं कहीं जाता हूँ मैथ्स में अगर न्यू स्टूडेंट्स आ गए हैं, मतलब बाहर से कोई आ गया तो जाहिर सी बात है कोई सर्च करके चेक करता है कि है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। पर्सनली मैं खुद जब आ रहा था तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था कि भाई इस जगह के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन मुझे अगर मिल जाए, ऐसा कि मैंने पहले भी उसमें बताया था कि हमारा तो सोच थी कि भाई ताशकंद यूनिवर्सिटी है तो ताशकंद में होगी, गुरगंज का तो हमने नहीं सोचा था। तो मैंने वीडियोज़ देखी थी ताशकंद की, यहाँ का तो मुझे पता ही नहीं था, बस मिसअंडरस्टैंडिंग बोल सकते हैं इसे हम, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं बोल सकते, पर मैंने खुद पर्सनली ताशकंद की वीडियोज़ देखी थी। अब हर बंदे को जो है आने से पहले यही होता है ख्याल कि भाई मैं वीडियोस देख लूँगा, कुछ किसी ने तो कुछ ना कुछ मटेरियल डाला होगा। तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स आते हैं वो देखते हैं, वो मिलते हैं मुझसे, दो तीन दिनों पहले की बात है कि एक न्यू स्टूडेंट्स आए हैं तो उनमें से एक स्टूडेंट था, उनसे वो बैठा था मुझे इस तरह घूर घूर के देख रहा था, क्या पता नहीं यार इसको मैंने क्या बोला, इस बंदे को मैंने कुछ बोल दिया गलती से, क्या इसको मेरी कोई बात पसंद नहीं आई, कहीं किसी कोई बात सुन ली मैंने, इसने मेरी पता नहीं क्या सीन था। तो टाइम गुजरा, फिर एक और दिन गुजरा, नेक्स्ट डे वो आके मुझसे मिला, वो बैठा था, हम खाना खा रहे थे मैस में थे, तो ये मैस की बात है, तो उसने कहा कि यार हम आपसे मिलने के लिए आए हैं। तो मैंने कहा क्यों, कहते आप यहाँ सबसे फेमस हैं और हम आपसे मिलने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने जनरली मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने खाना खा लिया था और वो लोग वेट कर रहे थे कि कब मैं खाना खा के फ्री होंगे और वो कब मुझसे मिलेंगे। उन्होंने मुझसे पहले कांटेक्ट भी किया था बट मैंने उनको उस तरह खास नहीं पहचाना था शक्ल से, हाँ मैंने देखा था कि यार कहीं देखा देखा लग रहा है, मैंने कहा शायद यूनिवर्सिटी में हो, स्टूडेंट हो, कहीं देखा हो क्लास वगैरह में,
बट ऐसा नहीं था, वो आके मुझसे मिला, मुझे कहा और क्या, आप ही तो फेमस हैं यहाँ पे, आपसे मिलना है। और भी व्लॉगर्स हैं यहाँ, काफ़ी सारे हैं, वो भी व्लॉगिंग करते रहते हैं, बात किस चीज़ के हवाले से, बात किस चीज़ के हवाले से, पर जो मेन चीज़ है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की, यहाँ पे वो सिर्फ मैं करता हूँ यहाँ पे इस टाइम पे, अल्हम्दुलिल्लाह। सेकंड जो हो गया फेम, तो फेम भी मुझे मिल रहा है, हो रहा है, मेरा जो मकसद है वो पूरा हो रहा है। उसके बाद मैं फेम की दूसरी बात बताऊँ कि हमारे जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर हैं सर आलमगीर सर, अल्लाह उनको बहुत खुश रखे, मेरी बहुत हेल्प की उन लोग उन्होंने, बल्कि पूरी मैनेजमेंट ने मेरी हेल्प की, अच्छी खासी हेल्प की है मेरी। वो जो है वो भी मुझे अब मेरी वीडियोस देखते हैं, मुझे कहते हैं अच्छा तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, वीडियोस में मुझे आके मतलब सामने से मिलते हैं, मुझे कहते हैं अच्छा तुमने ये किया है, तुमने वो किया है। पर्सनली तो वो खुद से मतलब वो बताते हैं कि तुम ये कर रहे हो, मैं तुम्हारी हरकतों पर नज़र रखता हूँ, पर मैं अपना बताऊँ तो मुझे खुशी होती है कि भाई देख रहे हैं ये लोग भी, मुझे देख रहे हैं यूट्यूब पे, मतलब अपना टाइम निकाल के हर बंदा देखता है, जाहिर सी बात है, तो मुझे क्यों देख रहा है कोई, ये बात है। तो मुझे अब अगर वो देख रहा है तो उसका मकसद कुछ भी हो सकता है। तो जिस तरह आलमगीर सर है हमारे लिए एक बहुत मतलब बाइज्जत है हमारे लिए, हम उनकी बहुत कदर करते हैं, इज्जत करते हैं, हमारे बड़े हैं, हर मसला हमारा सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और हमारे लिए यही काफ़ी है। बाकी उसके बाद और मैनेजमेंट में लोग आते हैं काफ़ी, अब्दुल्ला भाई हो गए, अमित भाई हो गए, वो सब लोग जो हैं वो वीडियोस देखते हैं, मुझे कहते हैं हाँ व्लॉगर कैसे हो, तो अच्छा फील होता है, मतलब जो मेरा सेकंड मकसद है वो भी पूरा हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है पर हो रहा है, जो फेम है, जो लोगों को जानने का एक कीड़ा है वो हो रहा है। सो थर्ड जो मेरा मकसद था यूट्यूब से पैसे बनाने का, तो ये मकसद तो फिलहाल नहीं पूरा हो रहा, पर इंशाल्लाह अनकरीब मुझे उम्मीद है अल्लाह से ये मकसद भी मेरा पूरा हो जाएगा। ये तीन मेरे मकसद थे सबसे बड़े कि मैं व्लॉगिंग मैंने जिस वजह से स्टार्ट की, और जो सबसे प्रेफरेंस मैं जिसको लेता हूँ ना, वो मकसद है मेरा इन्फॉर्मेशन देने का, कि हर बंदे को मैं इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, प्रॉपर गाइड सकूँ कि गाइड कर सकूँ कि भाई ये नहीं, यहाँ पे ये चीज़ ऐसे नहीं है, ऐसे है। तो मुझ में ये चीज़ है, अगर आप पर्सनली मेरे कोई फ्रेंड्स हैं आप उनसे पूछ लेना, मुझसे मत पूछें आप मुझसे, मैं ज़ाहिर बता रहा हूँ शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ, आपको ऐसा फील होगा, पर मेरे जो फ्रेंड्स हैं आप उनसे पूछ लें, मेरी फैमिली वाले हैं उनसे पूछ लें कि मैं इस मामले में किस तरह हूँ, इस मामले को लेके मैं बहुत सीरियस होता हूँ, बहुत पॉसेसिव होता हूँ कि भाई नहीं, गलत गलत चीज़ तो नहीं होनी चाहिए किसी के साथ, और मेरी वजह से किसी को हेल्प मिलती है तो मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि बिल्कुल, मगर मैं किसी की 1% हेल्प भी करता हूँ ना, तो 99% हेल्प मेरी अल्लाह करेगा, मेरे इस बात पे बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी हेल्प हमेशा होती है अल्लाह की तरफ से। सो ये थी मेरी व्लॉगिंग स्टार्ट करने की कहानी कि मैंने क्यों स्टार्ट किया। इसके बाद मैं एक आध वीडियो बनाऊंगा इस पे कि कैसे व्लॉगिंग स्टार्ट की और सफ़र कैसा था, वो सब मैं बताऊंगा, अभी तक का सफ़र इंशाल्लाह फिर कभी। दूसरी बात जो है मैंने बताई थी कि मैं बताऊंगा मेरा इंस्पिरेशन कौन है, मेरी मैंने किससे इंस्पायर होके स्टार्ट की थी। सो मैं पहले बताना चाहता हूँ कि मैं स्टार्ट में व्लॉगिंग से पहले मुझे कोई आइडिया नहीं था, मैं इवन किसी व्लॉगर को जानता भी नहीं था, मैं किसी की वीडियोज़ नहीं देखता था, मैं सच बता रहा हूँ कैमरे के सामने आज फर्स्ट टाइम कि मैंने यूट्यूब पे बहुत कम टाइम गुजारा, बहुत कम टाइम मैंने यूट्यूब पे किसी की वीडियोज़ आज तक नहीं देखी, आज तक नहीं, व्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले तक किसी की वीडियोज़ मैंने नहीं देखी थी। अगर कोई ज़रूरत मेरी ना होती, बाद लोग करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए देख लेते हैं, ये कर लेते हैं, नहीं मेरी आदत नहीं थी, मैंने कभी किसी व्लॉगर की वीडियो नहीं देखी, कभी जो है यार कोई प्रैंक वीडियो देख लूँ, कोई नहीं, ये चीज़ें मुझ में बिल्कुल नहीं थी। यूट्यूब तो मैंने बिल्कुल यूज़ ही नहीं किया था, अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती थी, कोई टॉपिक स्टडी वगैरह होता था तो वो मैं कर लेता था। हाँ फेसबुक जो है फेसबुक में यूज़ करता था, और उस पर भी जो व्लॉग्स हैं वो व्लॉग्स मैंने नहीं देखे आज तक। तो ये मैंने बात बता दी कैमरा के सामने फर्स्ट टाइम कि मैंने यूट्यूब से टाइम मेरा बहुत कम गुजरता है, अभी जो है अभी मेरा इस टाइम पे टाइम ज़्यादा गुजरता है एज़ कम्पेयर टू पहले दिनों में। तो अभी जो है हम सीख रहे हैं, हम सीखने वाले जो है स्टेज पे हैं, हम थोड़ा थोड़ा करके सीख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके। अब जो है मैं इस तरह था कि इंस्पिरेशन किसी से नहीं थी स्टार्ट में, खुद स्टार्ट करने का वो था कि यार इन्फॉर्मेशन देनी है लोगों को, इन्फॉर्मेशन देनी है लोगों को, ऐसा ना हो कि वो लोग आए यहाँ पे गलत फंस जाएं, यहाँ पे ये हो जाए, यहाँ वो हो जाए, या फिर आके बाद में किसी और को ब्लेम करें। तो इस वजह से मैंने इन्फॉर्मेशन देना प्रोवाइड की सबको, कि सबको भाई जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दो कि ये चीज़ इस तरह है, ये चीज़ इस तरह है, यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे वो होता है,
जितनी मेरी मतलब जितनी मुझ में ताकत है, मैं अपनी ताकत और इस्तेआत के मुताबिक इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ हर बंदे को। मुझसे इवन जब मैंने व्हाट्सएप का नंबर अपना शेयर किया था, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया, इवन अभी भी करते हैं। इंडिया से लोग करते हैं, पाकिस्तान से करते हैं, हर जगह से मुझसे कांटेक्ट करते हैं, भाई ये सीन है, क्या करें, माइग्रेशन करनी है, ये करनी है, वो करनी है। तो मैं हर बंदे को प्रॉपरली जवाब देता हूँ। इवन इस तरह लोग होते हैं, उन्होंने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया होता है और मुझे बोलते हैं कि हम आने से पहले क्या क्या लेके आए, तो मैं उनको प्रॉपर गाइड करता हूँ कि भाई ये चीज़ लेके आओ, ये चीज़ लेके आओ। मेरे फेसबुक पे एक पेज है, उस पे मुझसे कितने लोग कांटेक्ट करते हैं कि हम आ रहे हैं, क्या चीज़ लेके आए सर। तो मैं पूरी अपनी कोशिश करता हूँ कि सबको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ। अब सेकेंड बात जो है इंस्पिरेशन की, तो बिल्कुल इस टाइम पे मैं इंस्पायर हूँ। स्टार्ट में नहीं था जैसे कि मैंने बताया, अभी हूँ। किससे हूँ? ऐसा था कि YouTube पे आने के बाद थोड़ा थोड़ा मैं YouTube पे थोड़ी मेहनत करना शुरू की कि भाई देखूँ कौन सबसे आगे जा रहा है। पाकिस्तान में, बाहर कंट्रीज़ का मुझे नहीं पता, मुझे शौक भी नहीं है पाकिस्तान को जानने का, पाकिस्तान की ये चीज़ों का शौक है मुझे। तो पाकिस्तान के बारे में कि कौन है, कौन है जो टॉप टॉप व्लॉगर्स थे ऊपर आए, बाकी मेरी मेहनत थी, कोशिश भी थी कि मैं देखूँ जानूँ इन लोगों को। तो फिर सब व्लॉगर्स में से मैंने एक बंदे को सिलेक्ट किया, उसको मैंने अपनी इंस्पिरेशन जो है अपनी इंस्पिरेशन का नाम दे दिया अपनी सोशल मीडिया की फील्ड में। बहुत सारे नाम थे उस टाइम पे मेरे पास जो है, इरफान जुनेजो हो गया, माज सफदर हो गया, और डकी भाई हो गए, और बहुत सारे हैं, बहुत सारे व्लॉगर्स हैं, सब अपनी वीडियोस अपलोड। हाँ, सिस्ट्रोलॉजी हो गई, आज तक आजकल जो है बहुत टॉप पे चल रही है वो भी। बट मेरी जो इंस्पिरेशन है वो इन्हीं में से है। आपको शायद पता चल भी गया होगा कि मैंने उनका नाम थोड़ी इज्जत से लिया है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। मैं बताता हूँ आपको कि कौन है, ये है मेरी इंस्पिरेशन, डिडकी भाई। अच्छा जी, तो ये मेरी इंस्पिरेशन है, क्यों है मेरी इंस्पिरेशन वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी जो है मैं एक्साइटेड होता हूँ इसकी वीडियोस के लिए कि कब आप, मैं यकीन माने कि मैंने आज तक सबसे पहले जो व्लॉगर को किसी को मैंने सब्सक्राइब किया था, किसी का चैनल ना, तो वो ढकी का चैनल था। सिर्फ ढकी भाई को मैंने आज तक सब्सक्राइब किया था। फिर उसके बाद मैं व्लॉगिंग, जाहिर सी बात है बहुत बड़ी फील्ड है, छोटी फील्ड नहीं, हर जगह की अपनी अपनी व्लॉगिंग होती है। कोई ट्रैवल व्लॉगर होता है, कोई फूड व्लॉगर, कोई किस तरह का व्लॉगर, कोई किस तरह का, हर बंदे की अपनी सोच होती है और अपनी फील्ड होती है जिस चीज़ में वो माहिर होता है। मैं माहिर नहीं हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ। तो मैंने फिर बाद में इरफान जुनेजो को देखा, बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, साथ साथ मोटिवेट भी करते रहते हैं, तरीके भी बताते रहते हैं क्या करना चाहिए, क्या क्यों क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, ये सब बताते हैं वो। तो उसको वाहिद, ये दो व्लॉगर हैं जिनको मैंने आज तक सब्सक्राइब किया है, एक ढकी भाई, एक इरफान जुनेजो, इन दो बंदों को मैंने सब्सक्राइब किया। उसके अलावा मैंने किसी को आज तक नहीं सब्सक्राइब किया। तो ये मेरे जो है फेवरेट क्यों है, क्यों मैं इनसे मोटिवेट हूँ? एक तो यार इस बंदे की सिंप्लिसिटी नहीं है, ग्रेट, सीरियसली यार बहुत बहुत अमेजिंग है इसकी सिंप्लिसिटी। आप जाकर इसकी वीडियोस चेक, बहुत सारे लोग तो इसको जानते भी होंगे, मेरी वीडियोस पे तो क्या 100-150 व्यूज आते हैं। ये बंदा जो है एक मिनट में इसकी वीडियोस पे 20,000-30,000 व्यूज आ जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले इसकी शादी थी, तो इसकी शादी के जो पहले तीन वीडियोस थी ना, तो YouTube के टॉप ट्रेंडिंग पे फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ट्रेंडिंग पे इसकी वीडियोस चल रही थी और किसी और की नहीं थी, तीनों पोजीशन इसने अकेले पकड़ी हुई थी। तो यार एक तो ये है इसकी सिंप्लिसिटी। मैं 2022 क्रिएटर समिट में इसको बुलाया था सिंगापुर, तो यार आप चेक करिए इसकी वीडियोस। सिंगापुर गया था, वहाँ भी ये घर के चप्पल पहन के गया था, क्रिएटर समिट था, इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स इंडिया से पाकिस्तान से आए थे, वहाँ पे ये बंदा चप्पल पहन के गया था। ग्रेट, सीरियसली बहुत बहुत इंस्पायर हूँ मैं उससे, मैं इससे सीखना चाहता हूँ। इसकी जो बातें हैं मुझे बहुत नेचुरल लगती हैं, नेचुरल फील आता है इसकी वीडियोस देख के, मुझे बहुत मज़ा आता है, मैं पर्सनली बहुत इंजॉय करता हूँ इसकी वीडियोस को। उसके बाद मैंने इसकी जो है सारा चैनल देखा है, इसके चैनल मैंने, इसने 2017 में यूट्यूब का ये वाला चैनल जो मैन डिकी भाई वाला चैनल है वो इसने स्टार्ट किया था। तो हुआ ये सीन कि मैंने इसकी सारी वीडियोज़ देखी और शौक मुझे तब लगा जब इसकी सिर्फ सिर्फ 10 वीडियोस ऐसी थी जिन पे 1 मिलियन व्यूज़ नहीं है, उसके अलावा हर एक वीडियो मिलियन से ऊपर है। टॉप वीडियो इसकी 9.7 मिलियन में चल रही है, और जो सबसे कम वीडियो है उस पर भी 6 लाख व्यूज़ हैं, 6 लाख, 6 लाख, फिर 6.5 लाख, फिर 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख पे दो हैं, 8 लाख पे दो हैं। तो 10 वीडियो सिर्फ इसकी इस ऐसी हैं जो सिर्फ 1 मिलियन से कम व्यूज़ पे हैं, बाकी इसकी सब वीडियोज़
1 मिलियन से ऊपर जाती हैं। आजकल तो ये बहुत ऊपर जा रहा है, 4.45 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं इसके, और जो वीडियोस के व्यूज़ आते हैं वो तो आपको खुद पता होगा किस तरह व्यूज़ आते हैं उसके। तो मेरी इंस्पिरेशन है सिंपलिसिटी इसकी, मुझे बहुत पसंद है। और यार ये बंदा पैसे हैं, अल्लाह नसीब करे इसको, अल्लाह इसको और भी दे और अल्लाह हम सबको दे, पर ये है कि ये जो है पैसों की परवाह नहीं करता। किसी ने इवन मैं एक टाइम पे वीडियो देख रहा था, एक पंचर वाले ने सिर्फ 25,000 रुपये सिर्फ टायर के पंचर लगाने के लिए लिए थे, एक टाइम पे टायर के पंचर लगाने के 25,000 रुपये। अब पाकिस्तान में मजदूर की तनख्वाह भी इतनी नहीं होती जितनी उस पंचर वाले ने इससे ले लिए, तो इसको पता नहीं था। फिर लोगों ने जो है कमेंट्स किए कि भाई इसने जुल्म किया, इसने ज़्यादा की, फिर दोबारा गए थे, खैर वो अलग सीन था। पर ये जो है परवाह नहीं करता किसी चीज़ की, लगा लेता है जो भी। बहरहाल मुझे इसकी सिंप्लिसिटी जो है वो सबसे बेस्ट लगती है। बाकी इसका जो स्टाइल है, घर में भी जो है इस तरह फिरता रहता है। अभी तक यार इतना बड़ा व्लॉगर है और अभी तक इसका स्टूडियो नहीं था, कुछ टाइम पहले इसने स्टूडियो बनाया अपना, और इसका अपना कमरा भी नहीं है, अपने घर में इसका अपना कमरा नहीं है, ये सोफे पे सोता है अपने स्टूडियो में, सोफे पे सोता है। तो इसकी सिंपलिसिटी मुझे इस तरह पसंद आती है। ये नहीं कि कोई भी ब्रांडेड शर्ट, कोई ब्रांडेड पैंट, नहीं ये चीज़ें नहीं है। जो शर्ट मिल गई बस वो पहन लेता है, और एक ब्लैक इसका फेवरेट कलर है, ब्लैक गंदी सी शर्ट पहनी होती है इसने हर टाइम घर में। तो इस बात में मुझे ये बहुत पसंद है कि यार वो बड़ा बड़प्पन नहीं दिखाता किसी को कि यार मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो ये सीन है। तो आज बस यही वीडियो थी आज की मेरी, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह ऐसा टाइम आएगा मैं अपनी मेहनत जारी रखूँगा, कंटिन्यूसली जो है मैं वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा, तो इंशाल्लाह एक न एक दिन मैं इनसे मुलाकात भी करूँगा और इस तरह काबिल हो जाऊँगा कल को मैं भी किसी को इंस्पायर कर सकूँ। मेरे हिसाब से ढकी भाई की आज मेरे समेत लाखों जो है इंस्पिरेशन दी होगी लाखों बंदों को, लाखों बंदे ऐसे होंगे जो इंस्पायर होंगे ढकी भाई से। सो बेस्ट ऑफ लक मेरे लिए, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। और यार सब्सक्राइब कर दिया करो, आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते। सो आज के व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।